प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चेक करें, जब जैसे ही इसको ऑन करते हैं, ठीक है, ये चेक किए आपने, ये लाइट जो है ना ब्लिंक करती है, साथ ही ऑफ हो जाती है, तो एक दफ़ा ही करती है, उसके बाद ये जो है ना ब्लिंक नहीं करती। तो इसका जब अडाप्टर प्लग इन करते हैं, ठीक है, तो ये अडाप्टर प्लग इन किया है, ये सिर्फ प्लग इन की जो है ना वो लाइट ऑन हुई है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही, और इसको स्विच ऑन कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी जो है ना ऑन नहीं हो रहा, बटन पुश कर रहे हैं लेकिन ऑन नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई है। लिनोवो का लैपटॉप है X201। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चेक करें, जब जैसे ही इसको ऑन करते हैं, ठीक है, ये चेक किए आपने, ये लाइट जो है ना ब्लिंक करती है, साथ ही ऑफ हो जाती है, तो एक दफ़ा ही करती है, उसके बाद ये जो है ना ब्लिंक नहीं करती। तो इसका जब अडाप्टर प्लग इन करते हैं, ठीक है, तो ये अडाप्टर प्लग इन किया है, ये सिर्फ प्लग इन की जो है ना वो लाइट ऑन हुई है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही, और इसको स्विच ऑन कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी जो है ना ऑन नहीं हो रहा, बटन पुश कर रहे हैं लेकिन ऑन नहीं हो रहा, तो यही इसको प्रॉब्लम आ रही है। तो चलें ये चेक करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन करेंगे इसको कि प्रॉब्लम किस एरिया में आ रही है, ये चीज़ जो है ना फाइनल करेंगे। बिस्मिल्लाह, ये सबसे पहले इसकी जो है ना बैटरी हम निकाल लेंगे बाहर, उसके बाद इसके ये स्क्रू वगैरह लगे हुए हैं, स्क्रू वगैरह ओपन करके, ठीक है, तो इसका कीबोर्ड जो है ना ओपन कर लेंगे पहले। बिस्मिल्लाह, ये इसका कीबोर्ड पहले ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये इस कीबोर्ड इसका ओपन कर लेंगे। ये इसका कीबोर्ड का जैक है। ठीक है, ये कीबोर्ड इसका ओपन हो गया, बोर्ड इसका तकरीबन साफ ही लग रहा है। तो सबसे पहले जो है ना इसकी जो रैम लगी हुई है, रैम वाईफाई कर लेंगे, ये रैम का वाला जो है ना सॉकेट हम ओपन कर लेंगे। दो रैमें लगी हुई हैं इसको। छह रैमें भी हमने ओपन कर ली। तो अब इसको डॉक्टर लगा लेंगे, एक दफ़ा चेक कर लेंगे, ठीक है, उसी तरह लाइट इसकी जो है ना ऑन हो गई है। अभी कीबोर्ड को जो है ना हम लगा लेंगे एक दफ़ा, जैक वगैरह इसका। बिस्मिल्लाह, ये जैक लग गए, ये चेक कर रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं, लेकिन ये स्विच ऑन नहीं हो रहा बिल्कुल ही। तो इसको डायरेक्ट जो है ना मीटर से एक दफ़ा ऑन करके चेक कर लेंगे। ये मीटर से भी इसको चेक किया लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा, तो इसको जो है ना मुकम्मल ऑन कर लेंगे। पहले ये इसका सी पैनल जो है ये ओपन कर लेंगे, पीछे से स्क्रू इसके ओपन करके, तो बोर्ड बाहर निकाल लेंगे। तो ये मुकम्मल इसका स्क्रू जो है ये हम ओपन कर लेंगे पहले। बिस्मिल्लाह, ये मुकम्मल स्क्रू इसके जो है ना ओपन हो गए हैं। तो अब ये इसका जो पैनल है फ्रंट, ये पैनल हम ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, ठीक है, ये पैनल ओपन हो गया। और ये इसका सीमोस है, सीमोस का जैक उतार लेंगे, ठीक है, ये जैक उतर गया सीमोस का। तो अब इसको जो है ना एक दफ़ा स्विच ऑन करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी तरह सीमोस की भी निकल आती है। तो बिस्मिल्लाह, नहीं, ये लाइट तो ऑन हो गई है इसकी, क्योंकि ये सीमोस अभी निकाला है, तो डिस्प्ले नहीं आएगा इसका, क्योंकि हमने रैमें बाहर निकाली हुई हैं। रैम इसके लगा लेंगे एक, डिस्प्ले आ गया इसका। बिस्मिल्लाह, ले जी ये पैक कर दिया इसको, ठीक है, तो अभी बिल्कुल ओके है। प्रॉब्लम इसका सीमोस का ही निकला है, लेकिन जो मेन इशू है वो इसका प्रोसेसर का प्रॉब्लम था। प्रोसेसर के जो वाई सी लगा हुआ है ना वो ज़्यादा हीट अप हो रहा है, उसके साथ पी एफ कैपेसिटर लगे हुए हैं, डाउट लगे हुए हैं, वो टोटल पूरा एरिया जो है वो क्या नाम है उसका गर्म हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल ओके है, आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।